हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को जंपिंग के बारे में बताया था कि जंप कितने तरीके से करना है, तो आज मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसे ही ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उस पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए यार। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा जो फ्रंट फ्लिप से ही रिलेटेड है, और वही है जो फ्रंट फ्लिप के पहले क्या करना चाहिए, मतलब आपने पहले तो जंपिंग कर ली और जंपिंग के बाद में आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज मैं इसी के बारे में आप सभी लोगों को बताऊँगा। तो पहले तो आप 1 मंथ तक जंपिंग कर लिए और जंपिंग के बाद में क्या होता है वो इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेंगे। तो जंपिंग के बाद में आपको फॉरवर्ड रोलिंग, जो रोटेशन होता है फ्रंट फ्लिप में, जो जैसे आप जंपिंग लिए ऊपर और उसके बाद में जो रोटेशन होता है वो कैसे होती है वो आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगे। तो आज हम आपको फ्रंट फ्लिप में फॉरवर्ड रोलिंग के बारे में बताएँगे, जो आपको फ्रंट फ्लिप करने में बहुत ही यूज़फुल होगा और आप बहुत ही जल्दी सीख पाओगे। बहुत ही इजी यार, ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो ट्रिक यूज करना होगा आप सभी लोगों को, तभी आप लोग अच्छे से कर पाओगे। और जो रोटेशन होता है वो आपको, मतलब जिस जो कहते हैं ना कि मतलब साइन करती है, जैसे आप स्टंट करोगे तो अच्छा लगेगा देखने में, तो वही आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है फॉरवर्ड रोलिंग का वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, आपको पहले लेट जाना है, ये मोशन में आपको लेटना है, और उसके बाद में आपको अपना जो पैर है उसको अपने चेस्ट से ऐसे टच करना है। तो यही आपको स्टेप करना है थोड़ी देर तक। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। जो देखिए, यहाँ से आपको ऐसे ले जाना है और यहाँ से ऐसे करना है। ये वाला तो मैं आपको स्टेप बैक फ्लिप का ट्यूटोरियल में भी बताया था, तो बस यही करना है। ये यहाँ से ले जाना है और ये ऐसे, इसको थोड़ी देर तक करते रहो। तो दोस्तों, आपको अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकेंड स्टेप में फिर वैसे ही आपको लेटना है ऐसे, और फिर ऐसे लेटने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको, देखिए मैं आपको एक बार करके बता दे रहा हूँ। तो आपको ये स्टेप करना है, देखिए ये स्टेप आपको करना है रेगुलर, करिए थोड़ी देर तक। अब आपको फाइनल स्टेप में क्या करना है, तो फाइनल स्टेप में वही करना है जो देखिए मैं अभी करके आपको बता रहा हूँ, फॉरवर्ड रोलिंग। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये हाथ नीचे रखना है ऐसे, और फिर उसके बाद में रोलिंग करना है। बहुत ही ईजी है यार, देखो मैं करके आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर आपको अपना सर इसके यहाँ पर इसके बल लेना है। देखिए, थोड़ा सा हाथ पर भी, मतलब अपने वजन को हाथ पे भी लेना है हल्का, और उसके बाद यहाँ पे इसको रखना है। देखो मैं करके बता रहा हूँ, और ये पैर को यहाँ पर पकड़ना है जैसे मैंने किया था अभी, ऐसे ही आपको करना है। देखो फिर से बता रहा हूँ, देख लो यही करना है, यही करो बस। फिर से एक बार इधर से देख लो, यही स्टेप आप लोग रेगुलर करो। इसमें आपको फ्रंट फ्लिप करने में बहुत ही सपोर्ट मिलेगा दोस्तों।
तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो। और दोस्तों आप मुझे सोशल नेटवर्क पे भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो, हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। इनके लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके उस पर क्लिक कर लो और फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करो। और दोस्तों मैं एक बार आप सभी लोगों को फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उस पर क्लिक कर दो। क्योंकि दोस्तों आजकल यूट्यूब पे ऐसा हो गया है कि आप अगर नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियो जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना। और यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना यार, ताकि सारे लोग देख सके हमारा वीडियो और सभी लोग हमें और ज़्यादा मतलब हमारे वीडियो को शेयर कर सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।